सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। अब हमारी सेकंड पोएम आती है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डन के द्वारा। जॉन डन का लाइफ स्पैन कितना है? 1572 से लेके 1633 तक। अब इस वीडियो में सिर्फ हम जॉन डन का इंट्रोडक्शन करेंगे, जॉन डन की लाइफ, उनके वर्क, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए उनके अर्ली लाइफ, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। जॉन डन वॉज बॉर्न इन टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। जॉन डन है, इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है। रोमन कैथोलिक मतलब ऐसी फैमिली जो क्या है, क्रिश्चियन धर्म को मानती है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली फैमिली में उनका जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज बॉर्न ऑन द 2 जनवरी इन 1572। 22 जनवरी 1572 को उनका जन्म होता है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। अब आगे देखिए, हिज फादर डाइड इन 1576। अब उनके फादर की कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1576 में। अब मृत्यु हो जाने के बाद देखिए, हिज मदर री मैरिड विद अ सर्जन डॉक्टर जॉन स्मेंस। अब उनकी मदर है वो दोबारा शादी कर लेती है। किससे शादी कर लेती है दोबारा? डॉक्टर जॉन स्मेंस, ये क्या होते हैं? एक सर्जन। फिर उस कुछ टाइम बाद में क्या होता है, हिज मदर डाइड इन 1632। अब उनकी मदर की भी क्या हो जाती है, 1632 में मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एजुकेशन। एजुकेशन, उनकी एजुकेशन क्या थी? इन 1583 में ही टुक एडमिशन एट हार्ट हॉल। हार्ट हॉल एक स्कूल में वो क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। यहाँ से वो अपनी मैट्रिकुलेशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो क्या करते हैं, नेक्स्ट एडमिशन लेते हैं। ही स्टडीड फॉर 3 ईयर्स। अब वो वहाँ 3 साल के लिए स्टडी करते हैं एंड लेफ्ट विदाउट ग्रेजुएशन, पर वो बिना डिग्री लिए ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अब उस टाइम क्या होता था, डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये एक ओथ लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी। किसकी? चर्च ऑफ इंग्लैंड की शपथ लेनी पड़ती थी, उसकी सुप्रीमेसी की शपथ लेनी पड़ती थी। पर ये जो जॉन डन थे, ये क्रिश्चियन थे, तो इन्होंने ये शपथ लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया और सबको बता दिया कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ये डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की और वो चले गए। अभी देखिए, इन 1591 में क्या होता है, ही गॉट एडमिशन इन थीव्स इन लीगल स्कूल। अब एज ए लॉयर स्टूडेंट वो क्या करते हैं, इन थीव्स इन लीगल स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ये कहाँ पे है? लंदन में। टू परस्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, चालू रखने के लिए लॉ स्टूडेंट के रूप में इसमें एडमिशन लेते हैं। अब आगे देखिए उनकी मैरिड लाइफ। अब उनकी मैरिड लाइफ कैसी थी? डन फेल इन लव विद एगर्टन्स नीज एंड मोर एंड दे वर सीक्रेटली मैरिड। अब ये जो डन है, ये जो एगर्टन है, इनके यहाँ सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, सेक्रेटरी बन के काम करते थे। वहीं पे एन मोर, ये इनकी वाइफ की क्या है, भतीजी थी, नीस। अब ये वहाँ भी आया जाया करती थी, तो वहीं पे इनका क्या हुआ, अफेयर स्टार्ट हो गया और सीक्रेटली इन्होंने क्या की, दोनों ने शादी कर ली। 1601 में दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। अब आगे देखिए क्या होता है, देयर फैमिलीज डिसअप्रूव ऑफ देयर मैरिज। अब उनकी फैमिलीज, जब दोनों की फैमिली को पता चलता है कि भाई इन्होंने शादी कर ली, तो दोनों ही फैमिलियाँ क्या कर लेती हैं, इस मैरिज को क्या कर देती हैं, डिसअप्रूव कर देती हैं, मानती नहीं है, अमान्य कर देती हैं। फिर उसके बाद ये जो एन मूर थी, इनके फादर को जब पता चलता है शादी के, तो वो क्या करते हैं, जॉन डन को जेल भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? जेल में भेज देते हैं। जेल में भेजने के बाद कुछ टाइम वो वहाँ रहते हैं, पर लास्ट में क्या करते हैं, दोनों की फैमिलियाँ मान जाती हैं और उनकी शादी को क्या कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, एन मूर है इनकी वाइफ जॉन डन की, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1617 में। 1617 में इनकी वाइफ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अभी आगे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, अब उनके लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेम्बर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। अब ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं इनमें ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रसिद्ध कवि थे ये। अब ये मेटाफिजिकल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ही सर्व ट्वाइस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, कब? 1601 और 1614 में दो बार वो क्या बनते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखिए, ऑल्दो ही रॉट मास्टर पीसेज इन हिज लाइफ, हिज कलेक्टेड पोएम अपीयर्ड पोस्टमोसली। अब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पोएम्स लिखी, पर ये जो पोएम्स हैं कलेक्टेड पोएम्स बाद में पब्लिश हुई हैं इनकी मृत्यु के बाद, सारी की सारी उनकी मरणोपरांत पब्लिश हुई। ये कब पब्लिश हुई थी? 1633 में। अब आगे देखिए, मेटाफिजिकल, जैसा कि हमने पहले कहा पढ़ा था मेटाफिजिकल पोइट्स में ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। अब मेटाफिजिकल होता क्या है देखिए, बियॉन्ड फिजिकल, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फिजिकल से परे, यानी जैसे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक बोलें जिसको, क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अब देखिए, द टर्म मेटाफिजिकल वॉज फर्स्टली यूज बाय जॉन ड्राइडन फॉर जॉन डन। अब ये जो टर्म मेटाफिजिकल है ये जॉन डन के लिए, किसके लिए? जॉन डन के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया? जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन को क्या कहा था? मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल क्या होता है? आध्यात्मिक। अब मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से हैं देखिए, जॉन डन, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सारे के सारे पोएट्स क्या हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स। अब देखिए आगे, टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस। इसका मीनिंग देखिए मेटाफिजिकल का, कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जो क्या हो, हमारी बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, व्याख्या से परे हो, जिसके फिजिकल जो चीज़ हमें दिख रही है, कुछ भी हमें दिख रहा है उसके परे सवाल करना। अब देखिए इसमें होता क्या था आगे, आगे देखिए, यूज़ ऑफ कंसीट्स, पैराडॉक्सेस, आयरनी। इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या क्या, कंसीट होता है बहुत ही दिखावे वाली चीज़, बढ़ चढ़कर बातें करना ये पोइट्री में यूज़ होता था, पैराडॉक्स, विरोधाभासी सेंटेंसेस, ये आयरनी, व्यंग, ये सब इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ होता था। आर्ग्यूमेंटेटिव, विवादपूर्ण, इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक, रियलिस्टिक, जो दिखती हैं सत्य हों, रैशनल, तार्किक। थर्ड देखिए, बेस्ड ऑन विट, जो किस पे बेस्ड हो? विट यानी बुद्धि पे, एंड ऑफन डील्स विद सीरियस क्वेश्चन, जिसमें क्या हो? सीरियस क्वेश्चंस हो, जैसे क्वेश्चन हो कि भगवान है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जो हमारे फिजिकल एक्सिस्टेंस से परे होते हैं, वो सब किस में आते थे? मेटाफिजिकल पोइट्री में आते थे। अभी आगे देखिए, हिज स्टाइल, अब उनकी स्टाइल, वो किस टाइप की पोइट्री लिखते थे, कैसी पोइट्री में वो शो करते थे अपनी स्टाइल, देखिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैराडॉक्सेस, डिस्टॉर्टेड इमेजिनरी कंसीट्स। अब वो बहुत ही इन चीज़ों का, ये पैराडॉक्सेस, विरोधाभासी सेंटेंसेस, इमेजिनरी होती थी, कंसीट्स, ये सब चीज़ों का अपनी पोइट्री में, अपने कंपोजिशंस में यूज़ करते थे। अब थीम ऑफ हिज पोएम्स, अब उनकी पोएम की थीम कैसी होती थी? रिलीजन, कैसी होती थी? धार्मिक, फेडिलिटी, सेपरेशन, सेल्फ लव, इन सबसे रिलेटेड होती थी वो, लव पोइट्री होती थी, अब्रप्ट स्टार्टिंग होती थी उनकी पोइट्री की, ये सब क्या है? इनकी स्टाइल ऑफ पोइट्री। ये फेडिलिटी होता है सत्य के प्रति निष्ठा होना, ये सब इस टाइप की पोइट्री होती थी। अब नेक्स्ट देखिए, जॉन डन्स वर्क, अब जॉन डन के क्या क्या कार्य हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है, अब उनकी मेन पोएम्स देखिए, सबसे जो फेमस पोएम्स हैं उनकी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, द गुड मॉरो, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन, ये उनके क्या है? फेमस पोएम्स।
नेक्स्ट इनके फेमस पोएम है फॉर होम द बेल टोल्स डेथ बी नॉट प्राउड सन राइजिंग. ये उनके बहुत ही फेमस पोएम्स हैं. उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं. उनके कुछ फेमस लेटर्स भी हैं. उन्होंने बहुत ही फेमस लेटर्स लिखे हैं, जैसे कि देखिए टू मिस्टर क्रिस्टोफर द स्ट्रॉम, टू सर हेनरी वॉटन, टू मिस्टर सैमुअल बैकेट. ये उनके क्या हैं, बहुत ही फेमस लेटर्स हैं. आगे देखिए ही रॉट मैनी लव पोएम्स एंड होली सोनेट्स. उन्होंने बहुत सारी लव पोएम्स भी लिखी हैं, बहुत सारी होली सोनेट्स भी लिखी हैं. बहुत सारे उनके फेमस कंपोजिशंस हैं. आगे देखिए अभी उनकी डेथ, उनकी मृत्यु कब होती है, देखिए जॉन डर्न डाइड ऑन 31st of March 1631. उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 को हो जाती है. अभी उनके ब्यूरेट, अब उन्हें कहाँ दफनाया गया, ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल, यहाँ पे उनको दफनाया गया. ये जॉन डन का इंट्रोडक्शन था. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम के इंट्रोडक्शन करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए. अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद.